हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यूट्रीफाई मी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ वेट लॉस मिथ्स की। जनरली हम जब वेट लॉस फॉलो करते हैं तो इधर उधर से हमें काफी सारे बातें सुनने को मिलती हैं, या इंटरनेट पे जब हम सर्च करते हैं तो काफी सारे मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, बहुत सारे मिथ्स रहते हैं जिसके कारण हम अपनी वेट लॉस जर्नी कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ वेट लॉस मिथ्स बस्ट करने वाली हूँ आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मिथ, कार्बोहाइड्रेट्स मेक यू फैट। कार्बोहाइड्रेट्स आपका फैट नहीं बढ़ाते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। जनरली हम वेट लॉस जर्नी में अपने कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करते हैं लेना, बट कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली हमें रिफाइंड कार्ब्स अपने डाइट से निकालने चाहिए, जैसे कि बेकरी आइटम्स, रिफाइंड शुगर्स, पैक्ड आइटम्स, केक, पेस्ट्री, इस तरह के आइटम्स जब हम अपने डाइट में लेते हैं तो फैट गेन होता है। बट जो हेल्दी कार्ब्स होते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस, सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है, हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करते हैं तो हमारा फैट लॉस नहीं होता है, हमारा फैट गेन होता है, बिकॉज उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और हम बहुत ज्यादा क्रेविंग्स भी फील करते हैं। तो इसे हमें अपने डाइट में रखना चाहिए। तो आप ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिए कि कार्ब्स से आपका फैट बढ़ता है। हेल्दी कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैट मेक्स यू फैट। सो फैट, जैसे कि कार्ब्स होते हैं वैसे ही फैट भी दो टाइप के होते हैं, हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स। डेफिनेटली अनहेल्दी फैट्स हमें वेट लॉस जर्नी में नहीं लेने चाहिए, और जनरली वैसे भी हमें फैट, जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं, अपने डाइट से एक्सक्लूड करने चाहिए। बट हेल्दी फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी फैट्स में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, नट्स एंड सीड्स, सारे फैट्स आपके लिए हेल्दी होते हैं और ये फैट लॉस जर्नी में आपको काफी हेल्प करते हैं। थर्ड मिथ, सप्लीमेंट्स हेल्प यू लूज वेट। सो सप्लीमेंट्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये सस्टेनेबल नहीं होते हैं। अगर आपको सप्लीमेंट से अगर आप वेट लॉस करते हैं तो वो जल्दी ही गेन हो जाता है वेट, आप सस्टेनेबल नहीं रख पाते हैं। और सप्लीमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो भी हम फूड खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो कितना हेल्दी है। सप्लीमेंट्स आपको कुछ भी हेल्प नहीं करते। फोर्थ मिथ, कीटोजेनिक डाइट हेल्प्स टू लूज वेट। कीटोजेनिक डाइट शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छे होते हैं और इससे वेट लॉस भी हो जाता है, बट इससे काफी हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ना या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बिकॉज कीटोजेनिक डाइट में फैट्स का इंटेक हमें ज्यादा करना होता है, कार्ब्स का इंटेक कम करना होता है। और ये हमारे, अगर हम इसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट डालता है, जिससे कि हमें आगे वेट लॉस में काफी प्रॉब्लम आती है। कीटोजेनिक डाइट शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प करते हैं, बट अगर आपको सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो कीटोजेनिक डाइट आपको हेल्प नहीं करेंगे। किसी भी न्यूट्रिएंट को एक्सेसिव अमाउंट में लेने से हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो आप ट्राई करें कि इस तरह के डाइट फॉलो ना करें। फिफ्थ पॉइंट, स्किपिंग मील्स कैन हेल्प टू रिड्यूस वेट। स्किपिंग मील्स इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। जब हम डाइट रिकॉल लेते हैं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम डिनर स्किप कर रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक सस्टेनेबल चीज नहीं है। अगर आप एक मील स्किप करते हैं एंड दूसरे मील पर बहुत सारी कैलोरीज लेते हैं तो अगेन ये आपका वेट पुट ऑन करता है। स्किपिंग मील से आपका स्टार्वेशन बढ़ता है, जिससे हंगर पैंग्स बढ़ते हैं और आप जंग की ओर जाते हैं। सो अगर आप स्किप कर रहे हैं अपनी मील को वेट लॉस जर्नी में, सो प्लीज स्टॉप इट। सिक्स्थ मिथ इज, इफ आई एक्सरसाइज आई कैन ईट Whatever I want। ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं या अनहेल्दी चीजें भी खा सकते हैं।
हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड वो दोनों चीजें आपको फॉलो करनी होंगी. हेल्दी डाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो एक्सरसाइज 30 मिनट्स एक्सरसाइज भी आपको हेल्प करता है. बट अगर आप अनहेल्दी चीजें जंक खा रहे हैं तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें कि एक्सरसाइज करने से आप जो चाहे वो नहीं खा सकते हैं. अनहेल्दी ईटिंग आपको स्टॉप करनी ही होती है अपनी वेट लॉस जर्नी में. सेवन मिथ, स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल. जब हम किसी एक टारगेट को लेते हैं वेट लॉस के लिए कि हमें वेस्ट कम करनी है या हमें थाइस कम करनी है, ये पॉसिबल नहीं होता है. जब भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, जब हम अच्छा डाइट लेते हैं, तो ये हमें हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारा ओवरऑल वेट रिडक्शन करता है. हम किसी बेसिकली एक पार्ट को टारगेट नहीं कर सकते. जनरली डाइटर्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं अपना सिर्फ बेली फैट रिड्यूस कर सकती हूँ. सो ये पॉसिबल नहीं होता है और इसकी गारंटी पॉसिबल नहीं होती है कि सिर्फ आप बेली फैट रिड्यूस करेंगे. आपको कुछ एक्सरसाइज आपको जरूर हेल्प करते हैं पर्टिकुलर एरिया का फैट रिड्यूस करने में, बट आपका हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ओवरऑल फैट रिडक्शन करता है. So the truth is there is no one tool that will make you magically lose weight. You should follow healthy lifestyle, healthy eating habits to lose weight. और इन myths को छोड़ के अगर आप अपना healthy routine follow करते हैं, healthy lifestyle follow करते हैं, healthy diet लेते हैं, तो definitely आपका weight loss होता है. So thank you for watching this video. Please subscribe our YouTube channel.